वो कह रहा है ये इनहेरिट कर रही है टॉप से, तो इसमें तो वो इनहेरिट अगर चेक करें या अनचेक करें तो दूसरी डायरेक्टरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें शो करें। शो उस वक्त करता है जब एक ही डायरेक्टरी में मुख्तलिफ फोल्डर बना के उनके ऊपर मुख्तलिफ राइट देते हैं। जैसे हमने फाइल सर्वर में किया, हमने एक मेन पब्लिक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर डिपार्टमेंट बनाए थे, तो उसमें क्या करते थे कि हम अब जो डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई नेट पब में चले जाओ तो ये अली है, हमने वो आई नेट पब को फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कुछ देर के लिए पब्लिक फोल्डर, ठीक है, ये FTP रूट को पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर ये डिपार्टमेंट है जी सेल्स का, ये अकाउंट्स का, ये HR का, तो हम क्या करते थे कि इसके ऊपर तो HR वाला है, इसके ऊपर तो हम HR वाले ऐड करवा देते थे कि उसको वो ऑथेंटिकेशन यूजर्स व्यू कर सकें, और फिर हम साथ में HR वाले डायरेक्टर नासर अली जो भी है उनको भी ऐड करवा के फुल राइट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, इनमें इसी तरह दूसरा करते थे, वो एक दूसरे के व्यू तो कर सकते हैं फाइल सर्वर में लेकिन वो एक दूसरे को उसको डिलीट या ऐसी चीजें जो रिस्ट्रिक्शन जो थी वो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने फिक्स की हुई थी सिक्योरिटी में जाकर। लेकिन इसमें यह है कि वो FTP प्रोटोकॉल जो है वो जिसका लॉगिन करता है पासवर्ड और यूजर दे के वो उसी का डायरेक्टरी उठा के दिखाता है, दूसरे की वो खोलता ही नहीं। अगर आप देखो तो उसमें आपको वो फोल्डर नहीं दिखा रहा, खाली प्लेस दिखा रहा है, ठीक है, ये तो अभी इसने बनाई है ना। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल करता हूँ हमने कौन सा नहीं खोला, हमने कामरान नहीं खोला, कामरान पे जाके मैं इंटर करके ओके करता हूँ तो देखो प्लेन आपको डेस्क दिखाता है, प्लेन स्पेस दिखाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कर रहा है वो FTP प्रोटोकॉल डायरेक्टरी मेन रूट के अंदर उसका जो फोल्डर है जिसपे परमिशन लगी है उसको पता चल जाता है कि ये कामरान लॉग इन कर रहा है, तो कामरान इन तीनों में से किस कौन सी डायरेक्टरी कामरान की, तो वो कामरान वाली उठा के जो है ना वो दिखा रहा है और उसी की वो ले रहा है, ठीक है जी। तो ये है हमारा IP, अच्छा होता है ऑफिस में भी आप यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर होता है कि पर्सनल सिक्योरिटी डेटा है जिनका वो सिंपल अपने किसी भी कंप्यूटर पर बैठे एक्सेस कर सकता है, चाहे आज इस पे बैठा है कल उस पे बैठा, थ्रू इंटरनेट, वो DNS के थ्रू होता है, DNS के थ्रू, ठीक है। फॉर हाँ चले आप कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं जी एक और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी, DNS इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं जी, नहीं DNS हम करते हैं इसी पे कर लेंगे, नया सर्वर नया करते हैं, टाइम क्या है अभी, टाइम नया, ये सेकंड सर्वर है हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ नेटवर्क के अंदर ही है ना, आप अपने नेटवर्क के अंदर कर सकते हो, आपका इंट्रानेट बना हुआ है उसके थ्रू भी कर सकते हैं बिल्कुल, VPN के थ्रू, आप VPN कनेक्ट होता है बाहर से, ठीक है, जब VPN कनेक्ट हो गया तो आप अपनी FTP का IP दे के कम्युनिकेशन तो आ जाएगी आपके इंटरनल में, तो आप वहां से बैठ के FTP के साथ अपना डेटा लोड कर दो ऑफिस में। हाँ तो अभी वो DNS के थ्रू आप देखो ना, IP जो मैं DNS क्या है वो नेम में रिजॉल्व करेगा, ठीक है। DNS तो इसीलिए हम लगा रहे हैं कि वो आपकी फॉर एग्जाम्पल abc.com या जो भी है वो आपकी बनाएगा जो साइट है, ठीक है, उसमें वो यही करेगा ना आपका सारा, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम इसको DNS कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पे मेरा ख्याल टूल्स इंस्टॉल नहीं हुए, चले मैंने देते हैं टूल, कैसे टाइम लगेगा, ऐसे कर लेते हैं इसको, ओके ठीक है जी। ये हमारा सर्वर 2 जो है ये DNS सर्वर होगा, हम इसका IP सेट करके उसी रेंज के साथ दे देते हैं जो ये हो गया, हम DNS बना लेते हैं 172.168.0 भी रेंज है, हम .50 DNS का रखते हैं, ठीक है, और इसी को दे देते हैं जी ये आप DNS 172.168.0.50, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके कर दिया, साथ ही हम DNS भी इसका इंस्टॉल कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम कंपोनेंट्स पे जाके ये हो गया जी हमारा कंपोनेंट्स ऑलरेडी रनिंग पीछे है उसके, ठीक है जी। नेटवर्क सर्विसेज हमारी किधर गई, ये नेटवर्क सर्विसेज आ गए, डिटेल्स में जाके मैं अकेला DNS करता हूँ, ओके नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है।
ठीक है, उतनी देर तक जितनी देर तक इसे इंस्टॉलेशन करनी है, वैसा करते हैं कि इन सबको दे लेते हैं प्रॉपर्टीज, इसमें जाके इसको डीएनएस कहते हैं 172.168.0.50 जो है ना वो डीएनएस, ठीक है जी। नेक्स्ट कर दिया इसका भी, एक्सपी टू को भी, वन को भी कह देते हैं जी आपका डीएनएस जो है वो 50 है, जो 172 सॉरी गेटवे में नीचे है जी हमारा डीएनएस 172.168.0.50। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके। तो हम अपने एफटीपी सर्वर पे भी जाके कहते हैं जी आपका जो डीएनएस है वो है जी 50.172.168.0.50, और ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज एंड रिफ्रेश कर दिया हमने सब, रिफ्रेश और क्लोज कर दिया। हम अपने वापस जाते हैं इस पे, फिनिश हो गया जी, ठीक है। हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसका, एक मिनट ऑटो कर लेते हैं, माउस इसका चल रहा सही, ठीक है। पहले 12 डीएनएस, ये हमारा डीएनएस हो गया। रिवर्स लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाते हैं, न्यू जोन, नेक्स्ट प्राइमरी जोन, ठीक है जी। जोन का नाम रख देते हैं abc.com, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, नेक्स्ट डू नॉट अलाउ, अलाउ कर देते हैं ताकि खुद ही उठा ले, नेक्स्ट फिनिश, सही है जी। ये हमारा हो गया, इसमें हम इसी का होस्ट पैकेट ऐड करवा देते हैं, न्यू हो गया जी। ये है सर्वर 02, आईपी एड्रेस है 172.168.0.50, ठीक है जी। ऐड, ओके, फिनिश, डन, ठीक है जी। ये हो गया। अगर हम जाएं अपना एग्जाम्पल अपने इसके ऊपर सीएमडी कहते हैं जी एनएस लुकअप, ठीक है जी। वो चेक कर रहा, कहता है डीएनएस रिक्वेस्ट टाइम आउट, टाइम आउट वाज 2 सेकंड, कैन नॉट फाइंड द डीएनएस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। हम सफिक्स इसकी ऐड करें तो फिर ये हमें ये भी देना शुरू कर दे, लेकिन सफिक्स पे जाते ही उसको क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा। हम सफिक्स की बजाय डीएनएस 1 हो गया हमारा, ये क्या है सर्वर 1 सर्वर 2, एक के जाके हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे न्यू होस्ट, ये हो गया जी एक्सपी, इसका कंप्यूटर नेम देख लेते हैं क्या है, नेम है XP2 और आईपी एड्रेस है 3, ठीक है जी। हम यहाँ पे जाके XP2 नेम हो गया और आईपी है 172.168.0.3, ठीक है जी। एड होस्ट, ओके, डन, ये रिफ्रेश कर दिया हमने, नेक्स्ट जाके नेक्स्ट आईपी 2, ये है जी सर्वर 02 था, ठीक है। रिप्लाई आ रही, रिजॉल्व हो रहा है, एनएस लुकअप, ठीक है जी। सफेद देनी पड़ेगी, बहरहाल हम अगर रिजॉल्व करना चाहें एक्सपी 2 को तो इंटर XP2 सर्वर अन 172, चलो इसका हम लगा ही लेते हैं सफेक्स के, अच्छा ये ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, इसमें जाके चेंज में जाके न्यू में जाके abc.com, ओके ओके, यस नेक्स्ट, इस पे भी जाके हम कर लेते हैं कि आपका डीएनएस ऑलरेडी ऑलरेडी suffix. Shall I have a look at it?